हेलो एवरीवन, डायरेक्ट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपके पर्सन की एनर्जी से रेजोनेट करेगी। प्लीज़ गाइड करें 5 कार्ड्स मेरे व्यूअर्स जिसके बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी, करंट एनर्जी, किस सिचुएशन में है आपके पर्सन। टावर with the word, death, emperor, one more card, chariot, bottom of the deck है hermit, energy is very heavy, extremely heavy, warning डाल दूंगी मैं। यहाँ पर जो वाइब्स है इसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ने चेंज को अडॉप्ट कर लिया है, कुछ बड़ा चेंज इन्होंने अपनी लाइफ में लाने का डिसीजन लिया है और ये काम हो चुका है। मतलब ये ऐसा नहीं कि इन्होंने अभी सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, नहीं, यहाँ पे एंडिंग की एनर्जी है, कम्प्लीटली एंडिंग। कोई टावर मोमेंट आज के दिन आपके पर्सन की लाइफ में आ चुका है, आने वाला है, वाइब्स ऐसी है जैसे आ चुका है। ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो टावर मोमेंट है ये डिवाइन पनिशमेंट है, डिवाइन की तरफ से, जैसे इनका कोई काम बनते बनते रुक जाना, कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाना, हेल्थ प्रॉब्लम या इनके घर में किसी तरह का बड़ा प्रॉब्लम, कुछ तो यहाँ पर ऐसा है जो कि एंडिंग की तरफ दर्शा रहा है। इनको इनके कर्मा ही इनको ट्रिगर कर रहे हैं, ऐसी वाइब्स है। बिकॉज वी हैव साइकिल द वर्ल्ड, तो पिछले जन्म से रिलेटेड या इस लाइफ से रिलेटेड कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है जिसके कारण कुछ सिचुएशंस रिलीज़ हो रही हैं और रिलीज़ होने के बाद ये उस सिचुएशन से बाहर भी आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये उस सिचुएशन में अटके रहेंगे, बट कुछ हार्श डिसीजंस इन्होंने लिए हैं। कुछ टाइम ये साइलेंट जोन में हो सकते हैं, तो जिनका कॉन्टैक्ट हो गया है वो बैलेंस बनाकर चलें। बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को आर्ग्यूमेंट करने या क्वेश्चन करने की एनर्जी में मत रहिएगा, शांति से रहिए। उनका मैसेज आता है रिप्लाई दीजिए, उनका मैसेज नहीं आता लेट गो कर दीजिए। सामने से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मत करिएगा कि ऑनलाइन हो, मुझे मैसेज नहीं कर रहे, मेरे मैसेज को देख नहीं रहे, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे। हो सकता है वो बिना बोले ब्लॉक कर दे, फिर आप परेशान होंगे कि यार इसने तो ब्लॉक कर दिया। उनको छोड़ दो आज, और जो नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए मैं बस यही कहूँगी कि आपके पर्सन से रिलेटेड कोई ख़बर आपको मिल सकती है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उनकी लाइफ से रिलेटेड, अगर कोई म्यूचुअल एनर्जी है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, उसके थ्रू या किसी, आपको कुछ ना कुछ तो पता चलेगा आने वाले समय में। हाँ, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, कुछ तो प्रॉब्लम है। क्लैरिफाई करते हैं, साइन बता देती हूँ। वी हैव कैप्रिकॉन, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, इसके अलावा वी हैव ऑल द साइंस बिकॉज वी हैव द वर्ल्ड। तो यहाँ पे सभी साइन है। क्यों आया है टावर, क्यों शुरुआत टावर से हुई है आपके पर्सन की एनर्जी की। हैंगमैन एंड टावर को क्लैरिफाई किया है डेथ ने। देखिए, टावर के बाद द वर्ल्ड आया है, द वर्ल्ड के बाद डेथ आया है, और टावर को डेथ ने क्लैरिफाई किया है विद हैरोफेंट। और वी हैव डबल 5, द हैरोफेंट विद 5 ऑफ कप्स। यहाँ पर जो एनर्जी है वो इमोशनल लॉस की है। मैंने आपसे कहा ना, एनर्जी हैवी है, एक्सट्रीमली हैवी है। चाहती तो यहाँ पर कोई और कार्ड भी गिर सकता था, बट यहाँ डेथ का ही कार्ड क्यों गिरा, इमोशनल लॉस ही क्यों गिरा। मतलब एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में
अगर ये मैरिड हैं इनकी मैरिड लाइफ में किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ये सिंगल हैं तो इनकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, या हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्स नहीं है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, टेम्परेंस की एनर्जी है। अरे एक सेकेंड, कार्ड नीचे गिर गया था एक। प्लीज गाइड करें एंजल्स, द वर्ड क्यों आया है? न्यू बिगिनिंग, डबल वन, वी हैव 9-11, 9-11, यहाँ डिवाइन यूनियंस की एनर्जी है। 11 रुद्र, 9 दुर्गा, 9-11 शिव शक्ति की वाइब्स हैं, 9-11 डिवाइन एनर्जीज हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों का डिवाइन यूनियन नज़र आ रहा है, ये कम्प्लीशन को दर्शा रहा है, कम्प्लीशन ऑफ अ साइकिल, लेकिन इसके पहले एंडिंग नज़र आ रही है। तो ये एंडिंग कोई ना कोई मैनिपुलेटिव थर्ड पार्टी सिचुएशंस की होंगी। आपके पर्सन एक नई शुरुआत करने वाले हैं। कैसा डेथ एंजल्स, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? स्टैंड योर ग्राउंड, 7-7, पास्ट लाइफ से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन है ये। वी हैव 7-7, 7 नंबर केतु का है, और यहाँ पर पिछली लाइफ से रिलेटेड कुछ कर्म इनके पूरे हो रहे हैं जो अधूरे रह गए थे, और ये जो कर्म पूरे हो रहे हैं ये इनके ऑब्स्टिकल्स के रूप में ये स्टैंड ले सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर स्टैंड लेंगे, कुछ सिचुएशंस ये खुद एंड करेंगे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है तो ज़्यादातर आपके फेवर में डिसीजन होगा, बिकॉज ये अपने दिल की सुनकर एक्शन लेने वाले हैं। तो ये आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकते हैं। एम्परर, एम्परर के बाद चैरियट आया है, और एम्परर को चैरियट ने क्लैरिफाई किया है, और चैरियट के बाद हर्मिट आया है। वी हैव गॉट हर्मिट, मींस एम्परर चैरियट हर्मिट, वी हैव एम्परर चैरियट हर्मिट, सेम एनर्जी। यहाँ पर जो एनर्जी है द चैरियट एंड हर्मिट की, आपके पर्सन ने बहुत ईगो में आकर डिसीजन लिया है, और जो भी डिसीजन लिया है बहुत अथॉरिटेटिव डिसीजन है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत सोच समझ कर लिया है, और यहाँ डिसीजन की एनर्जी ऐसी है जैसे ये बस डिसीजन लेंगे और निकल जाएंगे इस नेगेटिविटी से। थर्ड पार्टी से रिलेटेड ये डिसीजन हो सकता है, मतलब दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन के फेवर में और एक सिचुएशन के ऑपोजिट। कैसा डिसीजन, चैरियट क्यों आया है? एंडिंग का डिसीजन है ये, एक सिचुएशन कम्प्लीटली एंड होगी इन दो में से, इसीलिए साइलेंट जोन में है। कन्फ्यूजन ख़त्म होगा, एक द फूल की एनर्जी में आएंगे, बिल्कुल केयर फ्री। क्यों आया है हर्मिट? लो भाई, हर्मिट को एम्परर ने क्लैरिफाई कर दिया विद द वर्ड। एम्परर को हर्मिट ने क्लैरिफाई किया था, एंड वी हैव गॉट 3 मेजर अरकाना। वी हैव स्ट्रेंथ, एम्परर, द वर्ड, मतलब एनर्जी सच में बहुत हैवी है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन पूरे जिद में है। बस ये ध्यान रखिएगा कि इनकी जो जिद है वो आपके अगेंस्ट ना हो जाए। अगर इतनी ज़िद अगर कोई पार्टनर आपके अगेंस्ट दिखा दे तो भाई पूरा तो रिलेशन तबाह हो जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सतर्क रहना है, तो मैं वार्निंग ज़रूर डाल दूँगी, अदरवाइज़ कुछ लोग बाद में बोलेंगे कि मैम हमने ये रीडिंग बाद में देखी, हम सोचे आराम से देख लेंगे, क्योंकि मेरी रीडिंग जब जिसको टाइम मिलता है वो देखता जाता है। तो उनका मैसेज आता है, अगर कुछ मैंने बताया है सुबह में और वो शाम में उनके साथ घटित हो जाता है और वो रात में ये वीडियो देखते हैं, फिर उनको ऐसा लगता है कि यार मैंने पहले नहीं देखा, फिर वो मुझे मैसेज करते हैं कि मैम हमने पहले नहीं देखा, तो अब क्या करें? तो मैं क्या बताऊँ अभी, मैं भगवान तो हूँ नहीं कि मैं छूमंतर कर दूँ कुछ, बस में होता ज़रूर कर देती। हम प्रे कर सकते हैं, हम प्रेयर ही करते हैं, भक्त के हाथ में इतनी ही ताकत है कि वो प्रे कर सकता है, और मैं करती हूँ प्रे। कई लोग तो बिना नाम के यूट्यूब चैनल बनाया, मतलब यूट्यूब पे अपना जो भी है उनका क्या कहते हैं आपका जो भी प्रोफाइल, उस पे नाम ही नहीं होता,
लोग लिख देते हैं मैम प्रे कर दो, लेकिन मैं कहाँ से करूँ प्रे? बिना नाम के हवा में कैसे प्रे कर दूँ मैं? कलेक्टिव प्रे कर सकती हूँ, बट नाम रहेगा तो हम पर्टिकुलरली उसको देख सकते हैं। चलो एनीवेज, देखते हैं करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। अभी इस वक्त आपको लेकर क्या चल रहा है? द सैक्रेड वुमन, ल्यूमिनोसिटी, मैनिफेस्टेशन। वन मोर कार्ड, रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, ओवरऑल एनर्जी, लाइफ पर्पस। देखिए यहाँ पर जो वाइब्स हैं आपके लिए करंट फीलिंग्स में, इनको ये समझ में आ रहा है कि आप तो कुछ तो आपके अंदर पावर है, चाहे वो प्यार की पावर हो, यूनिवर्स की पावर हो, डिवाइन पावर्स हो, किस कुछ ना आपके अंदर कुछ डिफरेंट है। इनको ऐसा फील होता है आपको लेकर कि आपके अंदर कोई तो ऐसी क्वालिटी है जो दूसरों से डिफरेंट है। आप इनके साथ लॉयल हो, डेडिकेटेड हो, प्यार करते हो, अनकंडीशनल लव में हो, ये सब तो है ही, इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है। मे बी यू आर सेक्रेट, डिफरेंट, डिवाइन, और नॉलेज, विजडम है आपके पास, इंट्यूटिव हो आप, आपको चीज़ें रियलाइज़ हो जाती हैं पहले, ऐसा इनको फील हो रहा है। इसके अलावा आपका जो बिहेवियर है दूसरों के प्रति, उसको भी नोटिस करके इन्हें ऐसा लगता है कि यू डिज़र्व बेटर। कई बार इन्हें खुद पर शर्म आती है कि क्या मैं इसको डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, इतना अच्छा बंदा है या इतनी अच्छी बंदी है, क्या मैं इसके लायक हूँ, क्या मुझे इसकी लाइफ में रहना चाहिए। कई बार इनको अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत फील होती है कि शायद मैं डिज़र्व नहीं करता इस व्यक्ति को, इन्हें ऐसा लगता है आपको लेकर। और कई बार ये इसीलिए अपने आप को आपसे दूर करने की भी कोशिश करते हैं कि आपको तकलीफ़ ना पहुँच जाए, आपको हर्ट ना हो इनके कारण, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हो और ये नहीं चाहते कि इनके कारण किसी प्योरेस्ट फॉर्म को हर्ट हो, ट्रिगर हो। तो ये अपने आप को दूर करने की एनर्जी में रहते हैं कि नहीं, शायद ये मूव ऑन कर ले, शायद मेरे साथ रह के ये प्रॉब्लम में आ जाए। तो ये खुद में चेंजेस लाने की वाइब्स में है, इतने प्योर हो आप कि ये अपने आप को कोई बदल ले बिना कहे, बिना फोर्स किए। कई बार होता है रिलेशनशिप में आप फोर्स करते हो कि ये आदत चेंज करो, तुमको मैं इतनी बार बोल चुका हूँ या बोल चुकी हूँ, ये आदत चेंज करो, वो आदत चेंज करो, वो आदत चेंज करो, बाद में सामने वाला जब चेंज हो जाता है तो आप कहते हो आप चेंज हो गए। तो कई बार ऐसा होता है और फिर आप मैनिफेस्ट करते हो कि सब पहले जैसा क्यों। अब भाई आपने उसको इतना चेंज कर दिया, उसका जो नेचुरल चीज़ जो आपको पसंद था, उसका बिहेवियर, उसका फनी एटीट्यूड या व्हाटएवर जो भी आपको उनके अंदर डिफरेंट लगा था, वो सब आपने अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर दिया। और जब आपने एडजस्ट कर दिया, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो ओह माय गॉड अब तो सब चेंज हो गया, हमारा रिश्ता तो पहले जैसा रहा ही नहीं, कैसे रहेगा पहले जैसा। तो कई बार क्या होता है कि इंसान फोर्स करता है चेंज करने के लिए और बाद में कंप्लेन भी करता है या करती है। और कई बार ये होता है कि इंसान खुद ही बदल जाता है धीरे धीरे, उसे पता भी नहीं चलता कि वो किसी के प्यार में कितना बदल जा रहा है। ठीक है, उसकी आदतें सही होने लगती हैं, उसका नेचर सही होने लगता है, वो ग्रो करने लगता है, वो लोगों के प्रति, जब किसी के अंदर प्यार जागृत होता है ना, सच्चा प्यार, तो वो हर चीज़ में प्यार को देखने लगता है या लगती है, उसको किसी से भी नफरत नहीं होगी। प्यार ऐसा ही होता है, प्यार ये नहीं सिखाता कि ये मेरा पर्सन है तो मैं सिर्फ इससे प्यार करूँ, बाकी लोगों को भगवान देखे हमसे मतलब नहीं है, ऐसा प्यार नहीं होता। जब किसी के अंदर दिल से प्यार जागृत होता है तो वो सबके लिए अनकंडीशनली प्यार शुरू हो जाता है। तो आपके पर्सन में आपको बहुत चेंजेस नज़र आएंगे और इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे चेंज करना है। ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको और ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में चेंज आए, ये खुद को आपके लायक बना दें, क्योंकि आपका वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है, ऐसा इनको फील हो रहा है। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन यहाँ नज़र आ रहा है आपके साथ, कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो इनकी वाइब्स काफ़ी पॉजिटिव है आपको लेकर इस वक्त। देखते हैं इमीडिएट एक्शन, मतलब कि जो करंट एनर्जी है उसका असर ज़्यादातर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, जो भी अदर सिचुएशन है उनकी लाइफ में उसका असर हो सकता है। स्टिल आपको सतर्क रहना है अगर आप कांटेक्ट में हैं तो, क्योंकि क्या होता है कांटेक्ट वालों को ज़्यादा खतरा होता है, कुछ भी थोड़ा बहुत एनर्जी शिफ्ट हुआ तो सबसे पहला ट्रिगर उनको होता है जो कांटेक्ट में है।
इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है एंजल्स? आने वाले 60 आवर्स काफ़ी हैवी हैं, बहुत सतर्क रहिएगा। आने वाले 6 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा सतर्क रहिएगा। और जब भी ये रीडिंग आए उसके बाद 60 आवर्स तक की जो एनर्जी है 24 आवर्स के बाद, उसमें भी थोड़ा बचा कर रखिएगा, बिकॉज़ वी हैव मूविंग ऑन वाइब्स। यहाँ तो डेविल के साथ मूविंग ऑन की एनर्जी है, डेविल एनर्जी से मूव ऑन करेंगे, बट स्टिल क्योंकि आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन में यहाँ पे आया है, इमोशनल ट्रिगर हो सकता है, किसी बात से आपको इग्नोर कर सकते हैं, आपकी केयर करते हुए भी आपसे दूरी बना सकते हैं, साइलेंट जोन में रह सकते हैं। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं और ये चीज़ें आपसे रेजोनेट होने लगे, आपका पर्सन सडनली साइलेंट हो जाए, या आपका पर्सन सडनली आपको इग्नोर करने लगे, या सडनली कोई ऐसा मैसेज कर दे या सैड कोड डाल दे, या कोई ऐसी वाइब्स आपको सेंड करे मैसेज के थ्रू या कैसे भी, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि वो आपसे दूरी बनाना चाह रहे हैं, या वो कोई ऐसा मैसेज डायरेक्टली बोल दें कि यार शायद हमारा रिश्ता पॉसिबल नहीं हो पाए, शायद सिचुएशन हमारे फेवर में ना हो पाए, मैं प्यार बहुत करती हूँ या करता हूँ बट शायद ऐसा हो, तो ये चीज़ें भी आपको आत्मा को ट्रिगर करती हैं, यार मैं इसे इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, उसको क्यों ऐसा लगता है, लोग यही सोचते हैं कि क्यों इतना निराश है, क्यों ये इतना डरपोक है या डर रहा है या डर रही है, इसको विश्वास क्यों नहीं हमारे रिश्ते पर। तो ये वाली वाइब्स यहाँ पर हैं। तो आने वाले 24 घंटे तो बहुत ज़्यादा हैवी हैं आपके लिए भी, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी बहुत फ्लक्चुएटिंग एनर्जी में रहेंगे। क्लैरिफाई करूँगी मैं, लेकिन स्टिल हाँ देखो, थ्री ऑफ सोर्ड्स भी आ गया विद जजमेंट। किसी निर्णय से ये बहुत ज़्यादा सैड हो सकते हैं, एक नई शुरुआत का निर्णय है, लेकिन इनको कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे सैक्रिफाइसेस जिससे कि इनकी एनर्जी होगी बहुत ज़्यादा लो, लेकिन इन्हें अगर अपनी इच्छाओं को पूरा करना है तो इन्हें ये सैक्रिफाइसेस करने ही होंगे, ये डेस्टाइंड है। लेट्स क्लैरिफाई क्यों आया है मूविंग ऑन, किस सिचुएशन से। आपके पर्सन ना अगर देखा जाए तो साइलेंट जोन में रह सकते हैं, वी हैव गॉट हर्मिट। यहाँ जगलिंग से मूव ऑन की एनर्जी है, थर्ड पार्टी से मूव ऑन की एनर्जी, बिकॉज वी हैव टू वाइब्स। यूनियन होगा लेकिन फिलहाल ये बहुत साइलेंट जोन में हो सकती हैं या हो सकते हैं, तो इस वक्त पे आपको सतर्क रहना। हो सकता है किसी से बात ना करें, कहीं दूर चले जाएँ, ट्रैवल करके कहीं आइसोलेटेड प्लेस पर चले जाएँ, और ये आपको ऐसा लगे कि ये बंदा तो कुछ नहीं इसकी लाइफ में, तो ये तो इन्जॉय कर रहा है, तो घूम रहा है, फिर रहा है, मज़े कर रहा है, बट हो सकता है कि ये खुद अपने आप को दूर कर लें, बिकॉज ये ट्रैवल की एनर्जी है, कहीं दूर चले जाना इस एनर्जी से। क्यों आया है डेविल? डेविल यहाँ है जस्टिस, कर्मा, और है सन, सूर्य और शनि, फादर और बच्चे के बीच में, मदर और बच्चे के बीच में, सोसाइटी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। फियर की एनर्जी है, ऐसा लग रहा है जैसे फियरफुल एनर्जी में हो सकते हैं आपके पर्सन। ये इतना सारा बड़ा बड़ा डिसीजन लेने के बाद ये जो होता है ना डर कि अब क्या, अब अगर सब खराब हो गया तब मैं क्या करूँगी या करूँगा, तो ये हार्ट अटैक एंड लॉस वाली वाइब्स है। इन्होंने कोई डिसीजंस लिए हैं जिसको लेकर ये अभी तक घबरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में नहीं है, मतलब डिसीजन ले रहे हैं और डर में ले रहे हैं, कॉन्फिडेंटली नहीं ले रहे, इस तरह की वाइब्स है। सो सतर्क रहिएगा गाइस, एनर्जी सच में हैवी है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेड मैसेज? ओके, बॉटम ऑफ द डेक है, यू आर रेडी, आप तो रेडी हो, आपकी तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, बट आने वाले 6 दिन या 60 आवर्स ये एनर्जी होगी, और 6 दिन तक भी ये एनर्जी जा सकती है। कुछ लोगों के पर्सन इस तरह की बातें भी करेंगे कि शायद इनके बस का नहीं है कुछ भी कर पाना, और निराश वाली बातें कर सकते हैं, निराशा वाली, आपको ये बोल सकते हैं कि शायद तुम्हें अलग डायरेक्शन चूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है।
लेकिन ये टेम्प्रोरी एनर्जी है, ये याद रखिएगा, ये टेम्प्रोरी एनर्जी है। एंजल्स कह रहे हैं अगर किसी के साथ ऐसा होता है, 1%, 2%, 5% लोग जिनके साथ ऐसा होता है, तो ये टेम्प्रोरी एनर्जी है, बिकॉज़ आने वाले समय में सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। और एंजल्स ये भी कह रहे हैं बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है। तो ये एक टेस्ट हो सकता है जिसमें आपको फेल नहीं होना है, याद रखिएगा। देखते हैं महादेव की तरफ से क्या मैसेज है अभी इस वक्त आपके लिए। अपनी जो डिवाइन नॉलेज है ना, और अपनी इनर वॉइस, उसको सुनकर ही आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। पहला मैसेज तो यही है, आपको गाइडिंग लाइट्स गाइड करेंगी, कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिल रही है, आगे भी मिलती रहेगी, और डिवाइन की पावर्स आपको प्रोटेक्ट करेंगी। आपको अपनी इंट्यूटिव पावर, अपनी इनर वॉइस को सुनना है, और ये आप कैसे सुन सकते हो, जब आप ध्यान करते हो। नेक्स्ट मैसेज है हमारे पास भोलेनाथ का, बीइंग पोलाइट, हर सिचुएशन में काम रहना, गुस्से में नहीं आना। ये नहीं कि ऐसा बोल दिया तो अब उसको उसका गला ही दबा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर पॉसिबिलिटी को देखते हुए इमेजिन करो, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करो, हैप्पी रहने की कोशिश करो। जो आ रहा है उसको, जो आपके फेवर का है उसको रिसीव करो, जो आपके फेवर का नहीं, अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो लेट गो कर सको। साथ ही साथ इन अ पोलाइट मैनर, भोलेनाथ, भोलेनाथ क्यों कहा जाता है, जब वो एक तीसरी आँख खोल दें तो पूरा सृष्टि नष्ट हो जाए, उनके अंदर इतनी पावर है, लेकिन स्टिल उनको भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि इतनी पावर को समेट कर वो शांत रहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके पास कितनी भी पावर हो, कितना भी आपके अंदर क्रोध हो, लेकिन अपनी मेडिटेशन और अपनी जो आपकी पावर है स्पिरिचुअलिटी की, उससे आप जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट मैसेज है सीज द मोमेंट, सीज द मोमेंट की वाइब्स है यहाँ पर। एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस, अपनी सिचुएशन को ऐसे एग्जीक्यूट कीजिए कि आप सक्सेस को अचीव कर सकें, ठीक है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।